नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 फरवरी 2021 के मध्य प्रदेश समसामयिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चित्रकार सैयद हैदर रजा के चित्रों की प्रदर्शनी व 3 दिवसीय चित्रकारशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चित्रकार सैयद हैदर रजा के चित्रों की प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जा रहा है वह जबलपुर में किया जा रहा है। इसकी डिटेल देखते हैं। विश्वविख्यात चित्रकार सैयद हैदर रजा के चित्रों की प्रदर्शनी और 3 दिवसीय चित्रकारशाला का आयोजन डॉक्टर हीरा लाल राय कला का शासकीय रानी दुर्गावती कला संग्रहालय भंवरताल जबलपुर में किया जा रहा है और यह 3 दिवसीय आयोजन है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में सैयद हैदर रजा साहब के चुनिंदा 15 चित्रों की प्रकृति या प्रदर्शित किया जाएगा। जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय चित्रकारशाला में कला में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को संस्थान महाविद्यालय के माध्यम को आमंत्रित किया है, जिसमें संस्था दर्पण रोटी बैंक ने सहभागिता निभाई है। यानी इसकी सहभागिता, यानी ये दर्पण रोटी बैंक ने इसमें सहायता निभाई है। मध्य प्रदेश में खेती किसानों पर आधारित पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू होने जा रहा है? ये मध्य प्रदेश में खेती आधारित पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन ग्वालियर में शुरू होने जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी खेती किसानी पर आधारित सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू होने जा रहा है। और ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है आपकी, राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए केंद्र और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आवेदन कर दिया है और इसकी मंजूरी भी वैसे मिल चुकी है। 15 किलोमीटर फ्रिक्वेंसी वाले रेडियो स्टेशन के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थान भी चयनित कर लिया गया है। इसमें कुलपति डॉक्टर एस के राव के अनुसार सामुदायिक रेडियो स्टेशन से विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उनकी भाषा और बोली में कृषि के क्षेत्र में आ रही नई तकनीक और बीज की फसल की बीमारियों और उनका उपचार सहित कृषि यंत्रों की जानकारी इसमें दी जाएगी। देश में सामुदायिक रेडियो की योजना देश में केंद्र सरकार ने 2006 में प्रारंभ की थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय होगा जो रेडियो के माध्यम से किसानों के बीच कृषि तकनीक पहुंचाएगा, किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलेगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में विशाल अर्बन रेजिडेंसी सोसाइटी में 20 के WP ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सोलर प्लांट का शुभारंभ किया गया है? ये शुभारंभ किया गया है इंदौर में। स्वच्छता की तरह अब ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी इंदौर शहर एक और उपलब्धि अपने नाम अर्जित कर ली है। 31 जनवरी 2021 को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा विशाल अर्बन रेजिडेंसी है सोसाइटी है उसमें 20 KW ग्रिड कनेक्ट रूफटॉप सोलर प्लांट का शुभारंभ किया गया है। विशाल अर्बन प्रदेश की ऐसी पहली हाउसिंग सोसाइटी है जो MNRIE की वर्तमान SRTVP सब्सिडी योजना की तरह सौर ऊर्जा से संचालित की जाएगी। उक्त प्लांट सोलर स्क्वायर एनर्जी द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में सोसाइटियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 500 किलोवाट तक की परियोजनाओं के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद GDP का उधार लेने की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अब क्या होगा इससे कि राज्य और उधार ले सकते हैं और राज्य को कर्जा में, मतलब सरकारें जो भी हैं वो राज्य को और कर्जा में कर सकती हैं, ये है इसका मतलब। 4% तक कर दिया गया है, ये 4% तक कर दिया गया है। इस फैसले से मध्य प्रदेश सरकार को फायदा हुआ है क्या कि इस वित्तीय वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी और ये सरकार को और ऋणी बना सकती है, मतलब मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पिछले 10 माह में 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है,
इसकी वजह से राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 2,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। समझिए इस बात को। ये पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार की उधारी की जो जानकारी है वो हम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 की बात करें तो 20,496 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात करें 22,371 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 21,258 करोड़। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल ये उधारी लेती ही सरकार चुकाती भी है। जो उसमें निर्णय होते हैं, मतलब आप हर साल चुकाने का भी काम किया जाता है। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुल जीडीपी पर 3.5 यानी 3.5% के हिसाब से ही कर्ज लेने की अनुमति राज्यों को दी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को किस पदक से सम्मानित करेगी? वो पदक होगा कर्मवीर योद्धा पदक। ये और ये आ और बा दो कैटेगरी में इसका किया जाएगा, इसमें दिया जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। वैसे कि मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार 2020 में कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के दौरान सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में प्रतिवर्ष कुल कितने पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी? ये 60 पदों पर ऐसे पुलिस विभाग में ऐसे पद भरे जाएंगे जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता होते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश की सरकार पुलिस विभाग में सीधी भर्ती देगी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 60 पदों पर सीधी भर्ती आएगी, जिसमें से 10 पद उप निरीक्षक के और 50 पद कांस्टेबल के होंगे। मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उक्त स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लाभ दिया जाएगा। उपरोक्त पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास वांछित शैक्षणिक अर्हता का होना आवश्यक है। उनकी किसी प्रकार से ना तो परीक्षा ली जाएगी और ना ही फिजिकल टेस्ट होगा। हम अब बात करेंगे एमपी करंट अफेयर्स फैक्ट की। ये दोस्तों हम कम शामिल ही करते हैं, लेकिन अब हम लगभग 10 तक इसमें बढ़ाने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के योग्य होने के बावजूद जबलपुर निवासी बुसु खिलाड़ी श्रद्धा यादव को विक्रम अवार्ड नहीं दिए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार से सिरे से जवाब तलब कर लिया गया है, नोटिस जारी किया है और श्रद्धा यादव को पूर्व में एकलव्य अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा शामिल करने का ये उद्देश्य है कि ये जो श्रद्धा यादव हैं वो बुसु खिलाड़ी हैं और जबलपुर की निवासी हैं, इन्हें एकलव्य अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये 4 फैक्ट आपको इससे मिलते हैं। केंद्रीय रेल बजट 2021 के अनुसार भोपाल रेल मंडल के किस रेलवे स्टेशन से विजयवाड़ा के बीच रेलवे एक फ्रेट कॉरिडोर बनाएगा? इटारसी स्टेशन से विजयवाड़ा के बीच रेलवे एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने वाला है। इसकी केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है। ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है कि भोपाल का भोज बैटलैंड बड़ा एवं छोटा तालाब मध्य प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसर साइट है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसकी डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवसीय बैटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के भोज बैटलैंड भोपाल और सिरपुर बैटलैंड इंदौर का चयन किया गया है। ये कार्य योजना में शामिल है, लेकिन अभी एकमात्र घोषित रामसर साइट भोज बैटलैंड ही है। दूसरे चरण में राज्य बैटलैंड द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 120 तालाबों का चयन कर भारत सरकार को योजना तैयार करने के लिए भेजा गया है। भोपाल का भोज बैटलैंड बड़ा एवं छोटा तालाब मध्य प्रदेश का एकमात्र घोषित रामसर साइट है। इसका दूसरा पेज देखते हैं हम। तालाब, झील, बैटलैंड और सभी जलीय संस्थानों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा 2 फरवरी को विश्वलैंड दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व में जलीय संसाधनों के प्रति बढ़ती मानवीय लापरवाही और उपेक्षा के कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को
रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके कारण इस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में MPCA योजना के अंतर्गत सीपरी के तालाब, सिंध सागर तालाब, अशोकनगर, सिरपुर वेटलैंड इंदौर, भोज वेटलैंड भोपाल में योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अमृत सागर तालाब रतलम में 21 करोड़ एवं सीता सागर तालाब दतिया के लिए 14 करोड़ की राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संरक्षित योजना के तहत स्वीकृत भी की गई है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में राम मुक्तेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। आपका जवाब आया है, जिन भी लोगों ने दिया है, मंडला, जो कि सही है, मंडला में है। आपको मंडला आप जाएंगे तो बेगम महल आपको मंडला में मिलने वाला है, खदेबरी सिम मंदिर भी मंडला में मिल जाएगा, गौण किला भी आपको मंडला में मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हैं, यानी आपको ये मंडला से संबंधित फैक्ट है। आज का क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रसिद्ध जटाशंकर धाम किस जिले में स्थित है? निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर में से एक आपका आंसर सही है, जिसका आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, और भी ज़्यादा आपको हमारे इस MP करंट अफेयर्स से संबंधित किसी दूसरे को शेयर करने चाहते हैं, अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।